बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं एक कॉमन मैन हूँ। यहाँ पर बहुत सारे डाटाज बताए गए हैं कि इतनी आबादी हो गई है, इतने सारे घर बनने वाले हैं। मैं ये सब नहीं जानता हूँ, वाकई मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी क्या सोचता है। आम आदमी सोचता है कि वो अच्छी ज़िंदगी जी ले। तो जब हाई राइज में हम जाते हैं तो सबसे अच्छी बात होती है कि जो मेरी लुगाई घर में जाके मुझसे लड़ाई करती है वो शायद बंद हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब छोटे छोटे घर होते हैं, आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, बीवी दिन भर अकेली बैठी रहती है, उसके बात करने के लिए कुछ नहीं होता। जब रात को मैं घर जाता हूँ तो चालू हो जाती है और वो इतना कुछ बोलती है कि मैं आखिर में उसको कुछ ना कुछ बोलता हूँ, और जैसे ही मैं कुछ बोलता हूँ तो वहाँ से लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। लेकिन जब हम मल्टी स्टोरीज में आएंगे तो सोशली शायद ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, मेंटली हम लोग रिलैक्स रहेंगे। क्योंकि जब भी बीवी को बात करनी होगी तो बगल में कोई ना कोई एक घंटी है, वो दबा देगी तो बातचीत उसकी चालू हो जाएगी। और जब भी वो मुझसे लड़ेगी मैं भी जाके बगल में एक घंटी बजा दूंगा तो तीन चार और महिलाएं या तीन चार और पुरुष आएंगे और बात करने लगेंगे, तो शायद मेरी बीवी वहीं शांत हो जाएगी। ऐसी मेरी सोच है। इसके बाद वाकई में इकोनॉमिकली भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी, फाइनेंशियली भी हेल्प मिलेगी, सोशली भी मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मिलेंगी। जैसे फाइनेंशियली अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली अगर हम देखें, तो वाकई में हाई राइज जब बिल्डिंग बनेगी तो एक मकान, अगर हम आम आदमी, मैं आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, आम आदमी अगर एक डुप्लेक्स बनाना चाहेगा, मीक साहब शायद मेरी बात से इत्तफाक रखेंगे, एक आदमी अगर डुप्लेक्स या अपना एक सिंगल बंगलो बनाना चाहेगा तो 50-60 लाख रुपये उसको चाहिएंगे। लेकिन अगर उसी की जगह वो फ्लैट में जाएगा तो 25 या 30 लाख रुपए में उसका काम हो जाएगा। एक मिडिल क्लास जो नौकरी करके कमाता है वो अगर एक फ्लैट खरीदेगा तो 30 लाख में काम होगा, लेकिन एक बंगला बनाएगा तो 60 लाख में होगा। आज अगर बड़ी मुश्किल से मैं लोन लेके कुछ ना कुछ काम चला के एक फ्लैट खरीदता हूँ और फ्लैट से ज़्यादा मुझे उस पर लोन की किस्त चुकानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली भी मैं एक क्राइसिस जीऊँगा। कि 50,000 रुपये अगर मेरी तनख्वाह है और उसमें से मैं 25,000 रुपये रेली हर मंथ अगर किस्त जमा कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मुझ पर बर्डन पड़ेगा। सोशली की अगर बात करूँ तो जब हम अलग अलग रहते हैं, शैलेंद्र सर ने भी वो बात बोली, सर ने भी बोली वो बात, कि हम लोग दुनिया से कट गए हैं, एक बंद कमरा, एक बंद बंगला हमारा रह गया है। एक बहुत अच्छी कहावत थी, आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत चल रही है, मैं भी कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हूँ, फेसबुक और व्हाट्सएप से। तो एक अच्छी चीज़ मैंने सुनी कि आज फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मेरे 1500 दोस्त हैं, लेकिन जो बगल में मेरे पड़ोसी रहता है उससे 2 साल से मेरी बात बंद है। ये हकीकत है, जब हम बंगलोज में रहते हैं तो अगल बगल में जो भी हो रहा है हमें मालूम ही नहीं चलता। बल्कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि बगल में कौन रह रहा है, शायद ये भी लोगों को मालूम नहीं चलता। लेकिन फ्लैट कॉन्सेप्ट में ये नहीं है, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं उस बिल्डिंग में मद्रासी भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है, कल्चरल चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, सार्वजनिक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारे इवेंट्स छोटे छोटे होते हैं, गणेश जी बिठा दिए, ईद पे हम मिलने चले गए, दुर्गा जी का जब प्रोग्राम आया तब हम मिलिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वाकई में खुशी देती हैं। तो सोशली भी हम कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिज़िकली भी फिट होंगे। जब मैं नीचे जाऊंगा तो आप लोग मुझे अच्छे से देखिएगा, मेरी हेल्थ लगभग 99 के आसपास हो गई और बहुत जल्दी शायद 100 हो जाएगी, ये हकीकत है। तो अगर हम हाई राइज में रहेंगे, आजकल वैसे लिफ्ट हर जगह है, लेकिन जहाँ लिफ्ट नहीं होगी वहाँ मुझ जैसा इंसान बार बार चढ़ेगा उतरेगा चढ़ेगा उतरेगा, तो शायद हम लोग फिज़िकली भी फिट रहेंगे। और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम, जैसे अभी मीक साहब ने बोला कि ऊपर बिल्डिंग में जितना ऊपर हम जाते हैं तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते, लेकिन हकीकत यह है कि हम जितना ऊपर जाएंगे तो हम हिल स्टेशन जाके जो खर्चा करते हैं शायद वो हमारे फ्लैट में हमें मिल जाए। पॉल्यूशन से शायद हम लोग दूर हो जाएं, शायद नॉइज़ पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन जो भी चीज़ें हैं, शायद जितना हम ऊपर जाके रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स हैं। प्लस जैसे कि अब मैं, हम जिस एरिया पे हैं, ये कहना चाहिए कि एयरपोर्ट एरिया है, मेरा जॉब एमपी नगर में है, मेरा घर भौरी में है। मैंने भौरी में इसलिए घर ले लिया कि सिटी में शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, भौरी में इसलिए घर ले लिया क्योंकि मुझे ज़मीन सस्ती मिल गई। लोग ज़मीन छोड़ दें और अगर छत की चिंता करें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। ज़मीन भले ना मिले, अगर मुझे छत मिल जाए और शहर के अंदर मिल जाए, तो जो एमपी नगर से लेकर भौरी तक का मैं रोज़ 200 या 400 रुपए जो पेट्रोल का खर्चा करता हूँ या मेरी तरह जो और लोग करते होंगे, शायद वो बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिज़िकली, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, इन सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। और सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं, जो एमिनिटीज़ होती हैं, वो एमिनिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। कुछ बेसिक होती हैं, कुछ लग्जरियस होती है। जैसे बेसिक में मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा, थोड़ी देर पहले भी ये चर्चा निकली थी, सर ने बताया था कि मेरा बच्चा जो, मैं चाहूँगा कि मेरी आंखों के सामने ही खेले, तो प्लेग्राउंड मुझे मिल जाएगा, मुझे स्विमिंग पूल मिल जाएगा, मुझे उसके लिए स्पा मिल जाएगा, मुझे उनके लिए जिम मिल जाएगा, और जो भी पार्किंग के लिए एरिया है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं लग्जरियस में जाता हूँ तो मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा बिल्डिंग का, लग्जरियस में स्विमिंग पूल भी आ जाता है, वो लग्जरियस में आ गया।
इसके अलावा सिक्योरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, वो सारी चीज़ें अगर ये सब हम खुद करेंगे तो शायद बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन 100 लोग अगर एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं और उसके लिए अगर हम एक गार्ड लगा देंगे, सीसीटीवी कैमरे का एक सेट लगा देंगे, तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी हमें हेल्प देती हैं। आमतौर पर आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आ गया, आपको मालूम है हम जब छोटे से परिवार में रहते हैं, आज बुरा मत मानिएगा अगर मेरी बात कोई बुरी लगे, लेकिन आजकल वाकई में सबको सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में जा रहे हैं। कुछ लोगों की अगर बात छोड़ दें तो हम चाहते हैं कि सास ससुर या माँ बाप हमारे साथ ना रहें, बस मैं रहूँ, मेरी बीवी रहे और मेरे बच्चे रहें, ये हम लोगों की थिंकिंग हो गई है। अब इस सिचुएशन में पहले तो था, सर ने भी बताया, हम दो और हमारे दो, आजकल धीरे धीरे वो सिचुएशन कम होती जा रही है, हम दो और हमारा एक, आजकल ये कंडीशन हो गई है। सोचिए मैं अगर किसी बिजनेस से या किसी जॉब के सिलसिले में अगर बाहर जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी किसकी, मेरी उस अकेली बीवी की और मेरे उस अकेले बच्चे की। लेकिन जब हम कवर्ड कैंपस में रहेंगे, एक मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट में रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें शायद मेरे लिए ख़त्म हो जाएँ। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, उसका समाधान आज हम लोगों को करना ही है। और वीरेन जी से एक और बात बोलना चाहूँगा कि आज जितने भी लोग आए हैं सब, अब जो मैं बोलने वाला हूँ बिल्कुल मेरे पर्सनल विचार हैं, किसी को बुरा लगे तो मैं पहले ही क्षमा करना चाहूँगा, कि आज हम लोग जो बैठे हैं सब लगभग कोर्ट में बैठे हुए हैं। और हकीकत यह है, शायद मैं अगर गलत हूँ या सही हूँ, हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद के बंगलोज में रह रहे हैं, इवन मैं भी, मैं शायद फ्लैट में नहीं रहा और शायद ना रह पाऊँ, मैं खुद के बंगलोज में रह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोग होंगे जो खुद के बंगलोज में रह रहे हैं। आज इस एंडोर्समेंट टू वर्टिकल हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है जो आप लोग लेके आए हैं, इसमें मेरे ख्याल से उन लोगों को भी हमें बिठाना था जो वाकई में फ्लैट में रहना चाहते हैं, जिनके पास वाकई में फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिनके पास वाकई में पैसों की ज़रूरत है, जिनको जो पैसों के कारण या किसी और कारण से हेल्थ इश्यूज़ के कारण इन इस प्रकार की मल्टी स्टोरीज में रहना चाहते हैं, अगर वो लोग भी इस चीज़ को सुनते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन आज हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों की आवाज़ आपके इस लाइव जो कैमरा है उसके माध्यम से, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया 37,000 लोग हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूँ, अब शैलेंद्र जी शायद हो सकता है बाहर जाके मुझे डांटें, और मीक जी शायद मेरी बात से इत्तफाक रखते हों, कि हम बंगलो और फ्लैट की बात तो तब करेंगे ना जब पैसा बचेगा, हमारे वो 500 रुपये और 1,000 के नोट तो अब ख़त्म ही हो गए। और बुरा मत मानिएगा, हकीकत यह है कि कभी कभी तो बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि हम चोर हैं, वाकई में इस प्रकार के, मैं खुद बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ सर, और नरेंद्र मोदी जी वाकई में मेरे लिए आइडियल पर्सनालिटी हैं, लेकिन कभी कभी बिजनेस करने के बाद ऐसा लगता है कि हम अपनी मेहनत की कमाई अगर कहीं ला रहे हैं और उसको छुपा के रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कांच में पड़ी हुई वो रकम हो गई है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उसको खर्च नहीं कर सकते। तो सोचिए, ये तो हमारे जैसे लोगों की बात है, जो मिडिल क्लास जो फैमिली होगी उसके लिए बंगलो बनाना तो बहुत दूर की बात है, आज की डेट में तो 25-30 लाख रुपए का फ्लैट भी सोच रहे होंगे कि लें भी नहीं लें। और इस कारण से आप देखिए, हम आज फ्लैट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लैट बनाने वाले हमारे बीच में बैठे हुए हैं क्रेडाई, शायद हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति है प्रॉपर्टी मार्केट की। फ्लैट तो बहुत दूर की बात, आज की डेट में ज़मीन के भी लाले पड़े हुए हैं, हम कहाँ जाएँ, कितने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। इस मंच के माध्यम से अगर उस सामने वाले कैमरे से मेरा चेहरा अगर अच्छे से दिख रहा है, मेरी आवाज़ अगर जा पा रही है, तो मैं वाकई में उन लोगों से बोलना चाहूँगा जो सरकार में बैठे हैं कि कुछ कीजिए इस जनता के लिए, कुछ कीजिए उस बिजनेसमैन के लिए जो बिजनेस से पैसा कमाते हैं और कहीं ना कहीं टैक्स देते हैं, और टैक्स देने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमें बोल रही है, हो सकता है आप चोर हो सकता है आपके पास दबी हुई राशि, वो निकालो। और हमारी माताएं बहनें जो बेचारी 50-50, 100-100 रुपये एक 1,000 करके इकट्ठा करके अपने घर में एक कोने में रखा था, आज उनकी राशि भी बाहर आ गई, और उनकी राशि क्या, पूरे देश की राशि, जो पूरे देश का धन था, आज वो पूरे विश्व में मालूम चल गया कि हमारे देश में कितना पैसा था, जिसको जो छुपी हुई चीज़ थी वो सब उजागर हो गई। बस अपनी बात के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, कुछ गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहूँगा, धन्यवाद।